में यही सामने में आए हैं कि हम पूर्ण रूप से बहुमत से जीता था कांग्रेस पार्टी जो हमारे है, अच्छा प्रसाद मिला थे हमला 70% वोटिंग हमारा बढ़ा है ना। और अध्यक्ष महोदय जी हमारे प्रशांत के वचन साजी कुराम और अध्यक्ष महोदय जी अश्वेन्द्र सिंह कोरते जी, कोरते जी आइए दो मिनट। इनके उपस्थिति में इनके मार्गदर्शन में आज का हमारा यह समीक्षा बैठक दोनों ब्लॉक का एक साथ संयुक्त रूप से रखा गया था और इसमें यह भी निर्णय लिया जाता है दो अध्यक्षों के बीच में कि सभी सेक्टर प्रभारी या जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जो हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने हमारे इस विधानसभा चुनाव में हमारे संग में काम नहीं किया या दूसरे पार्टी का काम किया है उनकी सूची बना दिया जाए और 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। आदरणीय आज के समीक्षा बैठक में बोड़ी ब्लॉक और पसान ब्लॉक से हमारे कार्यकर्ता सेक्टर प्रभारी जोन प्रभारी और बूथ प्रभारी और हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता इसके अलावा और हमारे साथ जितने भी जुड़े हैं नए भी जुड़े हुए हैं इस मंच की ओर से इन सभी को हार्दिक स्वागत नमन जय जोहार। आज हम ये समीक्षा बैठक इसलिए बुलाए थे कि कम से कम हमको कुछ शांति तो मिले इस ब्लॉक से और कहाँ कहाँ क्या हाल है कितना वोट परसेंट पड़ा है ये जानने के लिए हम यहाँ बुलाए थे और सबके बीच में ये जो है शेयर हो गया है। और दूसरी चीज किसी किसी कार्यकर्ता को कोई प्रकार का वित्तीय भार तो ज्यादा नहीं आया है इसको भी जानने के लिए शेयर करने के लिए हमने आज ये मीटिंग बुलाया था और हमने शेयर भी किया। तो हमको जो जो जानकारी दिए हैं वो हमारे मिश्रा जी सचिव साहब सबको नोट कर लिए हैं और 2-4 दिन के अंदर में हम ये सारी चीज से निपटने का प्रयास करेंगे और निपटेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आने वाला भविष्य में लोकसभा चुनाव है किसी कार्यकर्ता या वोटर्स को कोई प्रकार के किसी प्रकार की नाराजगी नहीं रखना है, मेरा सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है। और आप लोग इतने काम बूता के समय भी धान पान लुवाई के समय भी एक अमूल्य समय प्रदान किए हैं आज की बैठक के लिए, ये मंच की ओर से हम सब आभारी हैं और यहीं से सभा का समापन भी किया जाता है। चलो ना हो गया ना, आरती की घोषणा कर दी है तो अब क्या है, हो गया आभार क्या दो बोल दीजिए, बोलने तो बोलने पूरी ब्लॉक के अध्यक्ष अश्वेन्द्र सिंह पोते जी, आदरणीय हमारे पौड़ी ब्लॉक पसान ब्लॉक से आए हुए समस्त सेक्टर प्रभारी कार्यकर्ता
आदरणीय सरपंच साथी भी हैं, हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, उसके साथ अभी पोर्टे जी इस बात को बताए हैं, पौड़ी पसान एक ही ब्लॉक रहा, अब जो है अलग ब्लॉक हुआ है, फिर भी पौड़ी और पसान मिल के ही काम करना है हमें। जिसे आज पोर्टे जी हम बुलवाए, इनकी बुलवाए में पौड़ी ब्लॉक की भी आ गए, कभी कभी पौड़ी पसान दोनों ब्लॉक के आए हैं, कभी भी पसान ब्लॉक का भी मौका लगी तो फिर भी दोनों मिलके पौड़ी और पसान मिलके हर कार्य को सफलता बनाना है। और दोनों बना के यदि हमारा सलाह है तो हमारा पसान और पौड़ी पाली से आगे रहेगा, मतलब हमारा पार्टी कांग्रेस, इसलिए मिलजुल के काम करने से जो है ये सब चीज सफलता है ना हासिल होते, और अलग अलग काम करने में कोई मजा भी नहीं आए। तो यहाँ का दो पौड़ी के पसान के दुख सुख सब एक साथ रही, और हमन के ताना पाली ताना खैर है आज नहीं बहुत पहले से, ये हमारा जो है कांग्रेसी बेल्ट है, इमा कभी भी बीजेपी की कभी रूल नहीं रहे ना, ये तो आप सब सब लोग को मालूम है। अब हमारा कहना यह है कि सब मिलजुल के काम करेंगे और कांग्रेस की ही यहाँ जीत हासिल हो हमेशा और बढ़त बनाए। हम तो अभी सोचे रहें कि भाई पहले 33-34 हजार वोट से कांग्रेस ला जीत हासिल करा रहे, तब की बेर वाला सोच रहे कि कम से कम नहीं तो 40 से लेकर 50 हजार तर, बाकी अब वो नतीजा 11 तारीख के पता चल ही। ऐसा है कि देखो अपने अपने तो मेहनत सब करे हैं, गुरुआना भी करे है, आरी छाप में फूल छाप में बीजेपी भी करे लगा है। दी से। ये सब लगा दिए, ये सब जो है अभी तो असली तीने हैं, आरी छाप और जो बीजेपी कांग्रेस का लड़ाई, बाकी यहाँ हमेशा कांग्रेस की ही बढ़त रहते और अभी भी कांग्रेस की बढ़त है, हमारा जीत हासिल है। रामदयाल विखे का क्या स्थिति रहे? भावेश आ रहा है इस समय, रामदयाल विखे का क्या स्थिति रहे? उसका तीसरा पोजीशन हमेशा है बीजेपी के, आज की नहीं उसे तीसरा पोजीशन आते आ रहा है और तीसरा पोजीशन आज भी रहेगा। फोटो हो जाए, आओ भावेश, नंदू आ जाओ, राजलाल भी आ जाओ, बस में ज्यादा नहीं कहकर अपने हमारा आज के कार्यक्रम में सफल बनाए में हमारे सियान मन के विशेष हाथ है, हमारे बीच में उपस्थित जजमान सिंह जी कमर तुमान से, हमारे गवटिया उदयसन नंगोई वाले जी, शेर सिंह जी सरपंच, सरपंच बांगू राम साय, भुजबल सिंह जी सरपंच सहिला, और हमारे कुटेश्वर नाम आई कुटेश्वर गांव के जम्मो ध्यान सियान मन, इमन के विशेष सहयोग हम लोग मिली से ये जो चुनाव में हम देखे और मिलनते में। अब हम चाहते हैं कि सभी कांग्रेसी जो हैं अपने अपने क्षेत्र में जो पुराने हमारे कांग्रेसी हैं उनको ढूंढ के रखिए, वही हमारे काम है आने वाले समय में। अभी दोनों ब्लॉक में नया सिरे से पूरा कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनना है, कार्यकारिणी बनाना है, तो जो निष्कासन हो गया तो गए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अब एक नए सिरे से ये दोनों ब्लॉक का गठन किया जाए, और एक मजबूती जरूरी है, आवश्यक है, बस इतना ही है। और इतने करके आज के कार्यक्रम के यहीं पर समापन, और इंटरव्यू लेना है, कर दिए हैं, इंटरव्यू लेना है, और हाँ जी लेना है तो ले लीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा। और सभी के लिए भोजन का प्रबंध है, भोजन तैयार है, क्या बनाया सभी लोग भोजन।